brought to you by Techno Camon 30 series. कि यहां पर बोगस वोट डालने की कोशिश की गई, कोशिश कई जगह डली भी है, उनकी भी हम जानकारियां ले रहे हैं। दबंगता भी दिखाई, परंतु जहां जहां पर भी अधिकारियों ने उनका संरक्षण किया है, या कहीं पर बोग्स बोर्ड डली है, या कहीं पर वातावरण बूथ के ऊपर खराब हुआ है, उसकी रिपोर्टिंग आ रही है। एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें बाकायदा ये कहा गया कि भूपेंद्र हुड्डा से बात हो गई है और सतपाल ब्रह्मचारी को वोट डाले जाए, ऐसे ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई? देखिए, ये जानकारी हम सभी से एकत्र कर रहे हैं। मैंने कहा है कि कल हमने माननीय जिलाध्यक्षों को भी बुलाया था, प्रदेश के पदाधिकारी और मोर्चों के माननीय अध्यक्षों को भी हमने बुलाया था, आज विस्तारकों को भी बुलाया है। देखिए, हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और जानकारी हमारे पास जहाँ जहाँ से भी वो आएगी, और जैसा भी जिसने जो कार्य किया है वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने सारी की सारी रिपोर्ट बना करके वो रख दी जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व जैसा भी निर्णय उसके ऊपर लेगा, वो निर्णय सर्वमान्य होगा। जो अधिकारियों ने जहाँ कहीं गड़बड़े की हैं, और जो रिपोर्ट आई है हमारे पास कई स्थानों के ऊपर, जिस प्रकार से वहाँ वातावरण खराब करने की बूथों के ऊपर काम किया गया, और कई स्थानों के ऊपर ये भी कार्यकर्ताओं ने हमें बताया कि यहाँ पर बोगस वोट डालने की कोशिश की गई, कोशिश कई जगह डली भी है, उनकी भी हम जानकारियां ले रहे हैं। जिस भी बूथ के ऊपर इस प्रकार की घटना हुई है, वहां पर जो भी चुनाव अधिकारी होगा या जो वहां पर उस चुनाव को मैनेज करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो पुलिस प्रशासन का अधिकारी है, कोई भी व्यक्ति है, जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसी प्रकार से कार्रवाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा सरकार आपकी, अधिकारी आपके बोगस पोलिंग का क्यों ठीक रहा फोड़ रहे हैं, सब कुछ आपके हाथ में था, फिर भी कैसे हो गया? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मालूम है, जिस प्रकार से वो बौखला करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रकार का कदम उठाया, उसको मालूम था कि बेटे को किस तरीके से जिताया जाए, पर बेटा जीत नहीं रहा, ये मैं आज कह रहा हूं। उसने खूब प्रयास किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर तंत्र लगाया, दबंगता भी दिखाई, परंतु जहां जहां पर भी अधिकारियों ने उनका संरक्षण किया है, या कहीं पर बोग्स वोट डली है, या कहीं पर वातावरण बूथ के ऊपर खराब हुआ है, उसकी रिपोर्टिंग आ रही है और वो कार्रवाई होगी, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ड्यूटी ड्यूटी है, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, विपक्ष की भी ड्यूटी है, सत्ता पक्ष की भी ड्यूटी है कि शांतिपूर्वक चुनाव हो, उसके लिए हम मिल करके काम करते हैं। परंतु अधिकारी अगर उसके अंदर कहीं पार्टी बनता है तो फिर वो अधिकारी बताएगा, वो बताने का काम करेगा कि मैं कैसे वहां पर क्या हुआ, क्या अपनी रिपोर्ट देगा वो।